ये एक लेयर पड़ी हुई है, ये पूरा पाइप है नीचे से लेकर ऊपर तक, एक यहाँ पर 5 फुट की आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये केक 111 फीट का है, ये विश्व का सबसे ऊंचा केक होगा और ये विश्व रिकॉर्ड बनाएगा दुनिया का, जो कि विश्व रिकॉर्ड है वो हमारे हिंदुस्तान के नाम आएगा। योगी जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, उनका योजनाओं से हटके उनका जो पशु प्रेम है वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। लोगों में योगी जी के जन्मदिन पर केक कट रहा है तो उत्साह इतना है कि लोग वैसे ही यहाँ पर रोज जो है वो हजारों की तादाद में लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि हाँ हमारे मोदी जी देश सही हाथों में है। बिल्कुल सही हाथों में है और बस झंडा हमारे देश का मोदी जी की मतलब वजह से बुलंद है। ये 5 फीट की एक लेयर इन्होंने डाली है। अपने निराले अंदाज से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 5 जून को बर्थडे है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करोड़ों लोग चाहने वाले हैं और वो नए नए तरीके से उनका जन्मदिन मनाते हैं। अगर बात कर रहे हैं वाराणसी की तो वाराणसी में अभी कुछ पिछले साल जन्मदिन था तो उस वक्त लोगों ने पौधे लगाए थे और पौधे लगाने के बाद उनके जन्मदिन को मनाया था। वहीं नए नए अंदाज में लोग उनके जन्मदिन को मनाते हैं। अगर बात करें बरेली की तो बरेली में हम ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर पूरे दुनिया का सबसे बड़ा केक बनाया जा रहा है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सबसे बड़ा केक दुनिया का बनाया जा रहा है। अभी तक जो रिकॉर्ड कायम किया है वो इंडोनेशिया में कायम हुआ था क्योंकि वो 108 के करीब फीट था और अभी जो ये हम केक यहाँ पर दिखाने के लिए लेकर आए हैं आपको, ये केक जो बनाया जा रहा है ये उससे भी बड़ा बनाया जाएगा। एक टावर की मदद से इसको बनाया जाएगा। सही हो सकूंगा मेरे साथ आ जाएं और जो ये केक बनवा रहे हैं अभी उनसे भी बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे क्या इसके पीछे वो संदेश देना चाहते हैं, क्या इसके पीछे वो मैसेज देना चाहते हैं। पहले सही हो सकूंगा इस पूरे टावर को दिखाएं, ये वो टावर है जिस टावर पर केक की तैयारियां चल रही हैं। आज 2 तारीख है, 3 दिन 2 दिन कुल शेष रह गए हैं और फिर उनका जन्मदिन यहाँ पर मनाया जाएगा। पूरे टावर 130 फुट के करीब का बताया जा रहा है। वो जूम भी लोगों का दिखा दें कि तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उपस्थित हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ इसी चीज़ को देखने के लिए कि ये जो टावर बन रहा है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की तैयारी में बनाया जा रहा है और यहाँ पर केक बनाया जाएगा। हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं जिनका नाम है आमिर जैदी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस केक को बनाने का जो मकसद है क्या है और वो अगर ये बना रहे हैं तो क्या उन्होंने चीज़ें देखी थी जिसके बाद इनके जहन में ये सब आया कि मुझे एक इतना बड़ा केक बनाना चाहिए जो करीब करीब पूरी दुनिया का लार्जेस्ट केक होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आमिर जैदी साहब, आपने हमें कीमती समय दिया। सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको परेशानी तो नहीं हुई आने में? मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई, आपकी मोहब्बत है, हम लोग आपके पास आ गए और बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो सबसे पहले प्रश्न मेरे जो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए मेरा सवाल होगा जी, ये जो केक बनाया जा रहा है अभी तक तो हमारे तक बात पहुंची है, जो हमारे निराले अंदाज में जाने जाते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, उसमें बना रहे हैं आप क्योंकि 5 तारीख में उनका बर्थडे है। हाँ, तो कितना बड़ा ये केक बना रहे हैं? ये केक 111 फीट का है। अच्छा। और इससे पहले इंडोनेशिया में बना था जी, उसकी ऊंचाई जो थी वो थी 108.27 तो ये उससे ऊंचा बन रहा है जी। ये विश्व का सबसे ऊंचा केक होगा और ये विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि ये विश्व रिकॉर्ड बनाएगा क्योंकि अभी तक तो इंडोनेशिया में बना था जैसा कि आपने बताया, लेकिन दो तीन सवाल थे हमारे जी। आपने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा जो एक केक ही बनाने का, क्योंकि हर एक इंसान अपनी मोहब्बत को अलग तरीके से जाहिर करता है, आपने जो जाहिर किया वो एक अलग तरीके से की है, क्या प्रेरणाएँ ली थी, क्या वो वजह थी और ये जो आइडिया आया तो वो कहाँ से आया? ये जो केक है ये इसका नाम जो मैंने इसको दिया है वो है केका पीस, केका पीस जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए ज़रूरत है पीस की, कि अगर विश्व में शांति है जी, तो सब बढ़िया है और शांति नहीं है जी, तो कुछ भी बढ़िया नहीं है जी, जी। तो एक तो यह है कि ये विश्व शांति के लिए है, फिर एक विश्व शांति के साथ दुनिया का जो कि विश्व रिकॉर्ड है वो हमारे हिंदुस्तान के नाम आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल।
एक ये भी एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि योगी जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, उनकी अच्छी योजनाएं, उनका जो व्यवहार है और जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चलाई हैं, तो उससे सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो उससे प्रभावित होकर मैं उनके जन्मदिन पे इस केक को यहाँ पर ये केक यहाँ पर कटेगा। बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। वो क्या खास योजनाएं थी जिनसे इतने आप बिल्कुल दिल में ठान लिया कि मुझे कुछ अलग ही करना है, यूनिक ही करना है, वो हम जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शकों को ज़रा पता चल जाए। उनका योजनाओं से हटके उनका जो पशु प्रेम है, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है, इसलिए कि मैं भी एक पशु प्रेमी हूँ। उसके बाद अभी देखिए कि अभी सारे जो संस्थान हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनको जो अभी एक योजना योगी जी ने यहाँ पर दी और उसमें सारे लोगों को, सारे स्टूडेंट को लैपटॉप, स्मार्टफोन्स वगैरह उनको दिए गए। आपने देखा होगा इससे पहले राशन कार्ड की मतलब राशन की कितनी बुरी कंडीशन थी, जो राशन की दुकानों पे राशन मिलता था, तो जो कि राशन कार्ड से मिलता है, तो मेरा मानना यह है कि अब वो समस्या ख़त्म हो चुकी है जो कि योगी जी से हुआ। यानी जो वो फैसला था जी, जो राशन कार्ड को लेकर था, वो अच्छा फैसला था। वो अच्छा फैसला था और आज की तारीख में मेरे अपने हिसाब से तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं आ रही है, लोगों को पूरा राशन मिल रहा है, लोग बड़ा खुश हैं, किसानों को सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि मिल रही है। उन्होंने हर वर्ग के लिए किया है, जो सही मायने में जो मुस्ताहिक हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास तक राशन पहुंच रहा है, ये कहना चाह रहे हैं उनके पास तक पहुंच रहा है। बहुत अच्छी योजनाएं जो कन्याएं हैं उनके लिए चल रही हैं। तो जो पैसा के योजनाओं के लिए आता था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता था, वो अब नहीं हो पा रहा है। जो पैसा आ रहा है वो मेरे हिसाब से तो लगभग पूरा पूरा पहुंच रहा है। हमारे यहाँ सेतल में इतने घर बने हैं, अब बताया लगभग 1000 से ऊपर घर यहाँ पर बने हैं। और जो लोग के सोच भी सकते थे कि हम पक्के घर में हम रहेंगे, उनके लिए पक्के घर दे दिए गए मोदी जी की स्कीम थी, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से लैंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा चल रहा है, आप रात में कहीं भी निकल जाइए कोई दिक्कत है ही नहीं, पुलिस अपनी जगह मुस्तैद है, बढ़िया तरीके से सारे काम चल रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि एक इतने अच्छे इंसान जो कि हम सबके लिए इतना कर रहे हैं, अपना सब छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए जी। तो ये प्लान तो बहुत पहले से था कि मैं एक केक बनाऊंगा, वो केक आप पीस के नाम से होगा, पूरे विश्व के लिए होगा, विश्व शांति के लिए होगा। अच्छा, केक ही क्यों चुना? केक ही क्यों चुना? बहुत सी और भी यूनिक चीजें थी, केक ही क्यों चुना, मैं जानना चाहता। देखिए, अच्छी बात को पहुंचाने के लिए स्टैंड अच्छा होना चाहिए, बस सही, इवेंट अच्छा होना चाहिए। आपने इसे स्टैंड कर दिया। मैं मेरे अपने हिसाब से मुझे अपनी पीस की बात पहुंचानी है, एक अच्छे इंसान के जन्मदिन पे पहुंचानी है, तो उसको पहुंचाने के लिए अगर जितना बढ़िया इवेंट होगा उतनी दूर तक बात जाएगी। चलिए, आप केक के ही बारे में बात करेंगे, टावर के ही बारे में बात करेंगे, कितने फीट का होगा करीबन ये बना? ये 111, ये मेरा प्लान ये था कि 34 मीटर का इसको मैं बनाऊंगा, इसलिए कि 33 मीटर का रिकॉर्ड था, जो कि 33 मीटर बराबर 108.27 का होता है जी जी। और 34 मीटर जो था वो 111 प्लस था, मगर मैंने उसको प्लस को हटा के मैंने 111 रखा, इसलिए कि 111 जो है वो मुस्लिम्स में भी अच्छा माना जाता है और हिंदूज में भी अच्छा माना जाता है। योगी जी के जन्मदिन पे ये केक कट रहा था, इसलिए मैंने प्लस वाले जो ऊपर के थे वो मैंने हटा के इसको मैंने 111 कर दिया। बहुत सही, बहुत सही। अब अगर लोगों के दिमाग में अगर शक हो कि ये इतना बड़ा नहीं है, तो कैसे इसको दूर करेंगे? क्या ऐसा करेंगे कि इसके ऊपर कुछ फीता लगाएंगे जिससे नाप सकें? एक फीता लगाएंगे इसके ऊपर से, उस दिन फीता लगा हुआ होगा, दोनों जो कि वो होगा ड्रोन होगा, वो ऊपर से लेकर नीचे तक फीते को दिखाएगा, और ऐप भी आ रही है, मोबाइल ऐप आ रही है, उससे भी नापा जा सकता है उसको। तो कैमरा से तो बाकी वो जब फीता डल जाएगा तो सारी चीजें पता चलेगी। जब फीता डल जाएगा और एलईडी बड़ी लगी होगी उसके ऊपर ड्रोन दिखाएगा कि ऊपर से लेके नीचे तक कितने फीट है। ये बताइए, काफी बड़ा होगा केक का, जब काट देंगे उसके बाद क्या करेंगे? नहीं, मेरा मानना तो ये है कि पब्लिक बहुत आएगी, इतना उत्साह है लोगों में, योगी जी के जन्मदिन पे केक कट रहा है,
तो उत्साह इतना है कि लोग वैसे ही यहाँ पर रोज जो है वो हजारों की तादाद में लोग देखने के लिए आ रहे हैं। आज के बाद से और ज्यादा आएंगे देखना। जी जी नहीं, आपके आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, मुझे पता है। धन्यवाद बहुत बहुत। अब हम इसको सहयोगी से कहूंगा मेरे साथ आ जाएं, हम इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। सहयोगी आए मेरे साथ। ये नींव भी बनाई गई है नीचे पहले इसको। इसकी इसका फाउंडेशन बहुत हैवी बनाया गया है कि ये सारी आंधी, किसी भी प्रकार की आंधी या जो भी है वो झेल पाए, जलजला या आंधी झेल पाए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और इसको अभी रहना है क्योंकि इसके बाद मोदी जी का मैं बनाना चाहता हूँ कि 2023 में 2022 योगी जी के नाम है और 2023 मोदी जी के नाम है। इसलिए कि उनकी उनकी भी जो अच्छी योजना है वो बहुत अच्छी योजना है और जो उन्होंने हमारे देश का नाम विश्व में किया है वो विश्वगुरु हैं हमारे, मतलब वर्ल्ड के विश्वगुरु मैं उनको मानता हूँ। और कई एक फोटो मैंने अभी डाला था उनका, सारे लोग जो कि वर्ल्ड के नेता हैं वो उनके पीछे चल रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं, तो उससे लगता है कि हाँ हमारे मोदी जी देश सही हाथों में है। बिल्कुल सही हाथों में है और बस झंडा हमारे देश का मोदी जी की मतलब वजह से बुलंद है। आप देख सकते हैं कि अलग ही उत्साहिता इनके दिल में है आमिर जदी साहब के, और बड़े खुश भी हैं। और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 2022 अभी योगी जी के नाम है, 2023 जो होगा वो मोदी जी के नाम होगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या योगी जी का जो रिकॉर्ड होगा मोदी जी से तोड़ना चाहेंगे या उनके बराबर कहीं रखेंगे? देखिए ऐसा है कि विश्व रिकॉर्ड तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, तो जब भी बनेगा तो उससे ऊंचाई बनेगा। इसलिए कि जो कि विश्व रिकॉर्ड था उसमें योगी जी का नाम आएगा, उसके अगले विश्व रिकॉर्ड में मोदी जी का नाम आएगा। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इसके पीछे का जो मैसेज है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज ये है कि ये के का पीस है और एक अच्छे इंसान के जन्मदिन पे इसको इसको काटा जाएगा, तो पूरे विश्व के लिए मैसेज है कि जो पीस है वो दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है, यानी शांति जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है। अगर शांति है तो सब है, शांति नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये एक पीस के लिए, एक तो इन्होंने अपनी मोहब्बत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जाहिर की, और दूसरा एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि ये शांति के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। सब अब उसकी बारी आती है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। सही कुछ कहूँगा, आ जाए मेरे साथ। ये एक लेयर है, जो पहली लेयर है इसका एक जॉइंट दिखा दें सहयोगी करीब आकर। ये जो है ये 5 फीट की एक लेयर इन्होंने डाली है और ऐसे ही लेयर हैं तमाम, 5 फीट की ही लेयर बताई जा रही हैं। जैसे साहब ये जानना चाह रहा था कितना करीबन होगा ये बड़ा पूरा साइज जो है इसमें? ये 113.6। इसमें जो सहयोगी सब लेयर दिखा दें, ये एक लेयर पड़ी हुई है, ये पूरा पाइप है नीचे से लेकर ऊपर तक, एक यहाँ पर 5 फुट की आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और नीचे की अगर बात करें, थोड़ा और फीतली कर जाइएगा नीचे, सही कुछ नीचे दिखाएं इसको। ये तो फाउंडेशन है और ये नीचे से है 5। जी जी, 5 ये यहाँ से शुरू होता है नीचे से। ये जो यहाँ पर कम हुआ है वही ऊपर कम है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर ये पोर्शन, ये फाउंडेशन पोर्शन है, तो फाउंडेशन पोर्शन अगर ये पूरा होता तो ये 115 होता। अच्छा अच्छा। तो इसी वजह से ये 113 है, 113.6। यहाँ से जो ये वाला फाउंडेशन जो है इसका, इसका आपने जो है इसका जो पाइप है वो इसका 1.5 वो अंदर है इसके। अच्छा 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 जी। तो देखना तो सहयोगी एक बार, अभी भी काम चल रहा है पूरे तरीके से, इसे दिखाएं पूरे को। अभी भी लेबर जो है काम कर रही है, बात करेंगे कितने दिन से काम चल रहा है पूरा, कितना टाइम हो गया काम चलते चलते यहाँ पर? इसको 28 दिन हो गए लगभग। 28 दिन से मुसलसल चल रहा है? जी जी जी। अच्छा, तो कितने लोग काम कर रहे हैं टोटल? लगभग सारे लोग होंगे, के को सब मिला के 25 लोगों की टीम है। 25 लोगों की टीम? जी जी। कहूँगा इसे भी दिखाएं एक बार, ये इनका डिज़ाइन है, इस टाइप का ये केक होगा। हालांकि जो रिकॉर्ड लिखा हुआ है ये इंडोनेशिया वाला रिकॉर्ड लिखा हुआ है, और इसको प्लस, इसको प्लस कर दिया है हम, प्लस बनाएंगे ये। प्लस को भी दिखा दें सहयोगी, ये प्लस इससे ऊपर ही बनाएंगे ये, और ये इंडोनेशिया का जो रिकॉर्ड था उससे ऊपर ये बनाया जाएगा। और ये इनका पूरा इन्होंने एक तरीके से बनाया हुआ है। और बात थोड़ी सी और पूछूंगा, कितना खर्चा आ गया होगा करीबन? ये अभी कुछ इसका नहीं लगाया है,
तो एक अंदाजा लोगों नहीं, असल में क्या है केक खाने से ज्यादा लोगों को उत्साहिता ये होगी हम ये जान लेंगे क्या खर्चा आया इसके अंदर, तो अंदाजा ये अभी कुछ ये भी मुझे भी नहीं पता, अभी पता नहीं है। खैर बहरहाल काफी इसमें आगे आपको बताऊंगा, ये पूरा होगा तो उसके बताऊंगा कि कितना खर्चा इसमें आगे की क्या प्लानिंग है, क्योंकि अभी दो दिन शेष हैं, दो ही दिन माने जाएं क्योंकि आज दो तारीख हो गई है, तेजी से काम चल रहा है, कल तक ये लिफ्ट का काम चल रहा है इस टाइम। अच्छा, टावर का काम कंप्लीट हो चुका है, लिफ्ट का काम कल सुबह 10 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, कल 10 बजे के बाद केक पे काम शुरू होगा। अच्छा ठीक, और 4 तारीख को एक टाइप की रिहर्सल डेमो होगा और 5 को केक को बनाया जाएगा, और उस केक को पीसेस में बनाया जा रहा है, मगर ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि 3 घंटे में उस केक को यहाँ पर लाके तैयार कर दिया जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा। अच्छा, वो तो मेरे ख्याल है वो तो पीसेस में बिल्कुल कंप्लीट होगा, फिर तो उसको उसको लेयर बनानी होगी आपको, जी, जी, जी। तो 3 घंटे में हो जाएगा, वो 3 घंटे में होगा, उसके लिए जो विशेष तरीके के व्यक्ति उसको लगाने वाले उसको करके, और उसकी पूरी ट्रेनिंग चल रही है कि किस तरीके से उसको लगाना है, 3 घंटे में, 3 घंटे का समय बहुत कम होगा और ऊंचाई पे काम करना होगा, तो वो भी एक रिकॉर्ड बनाना है कि 3 घंटे में हम उसको लगाएंगे। लिफ्ट लगाई जा रही है इसीलिए ताकि जो ऊपर की जो लेयर्स हैं ले जाया जा सके उनको, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट दी जाएगी जिसकी नहीं है वो, और किस क्या है वो मैनुअल है, मैनुअल। मैनुअल यहाँ पर जो लिफ्ट दी जाएगी उसके द्वारा जो केक हैं, जो लेयर्स हैं केक की, उसको ऊपर लेकर जाएंगे, और लेकर जाने के बाद एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इसी तरीके से उसको सजाते चले जाएंगे, यही बिल्कुल आपका रहेगा, है ना। जी, जी। अच्छा, और एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था भैया, जब निमर जाएगा 5 तारीख के बाद, क्योंकि हमारे लिए उसके बाद उसका यूज कर लिया जाएगा। नहीं नहीं, केक की बात नहीं कर रहा, टावर की बात कर रहा हूँ, क्या करेंगे, आपने दूसरा संदेश भी दिया है ना साथ साथ, टावर, ये टावर जो है ये लगा रहेगा और आगे की प्लानिंग रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के बाद प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके उनके लिए भी केक बनाया जाएगा उनके जन्मदिन पर। थोड़ी सी जनता से बात करने की कोशिश करेंगे, ये तो जैदी साहब हैं जिन्होंने एक मैसेज देने के लिए और एक अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए ये केक तैयार करा रहे हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देखें आप ये हुजूम लगा हुआ है, हालांकि काम करने वाले भी लोग लगे हुए हैं, मुकामी हैं हमारे साथ में यहाँ पर जो हैं भाई, इनसे बात करने की कोशिश, क्या नाम है आपका? ताहिर जैदी कहते हैं मुझे। ताहिर साहब ये बताइए कैसा लग रहा है, महसूस कैसा कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, उत्साहित है कि जब भी पूरा तैयार हो जाए तो देखें हम इसको, फिर तो कहने क्या है, अच्छा मैसेज है, एक ही है, बहुत अच्छा। लोगों के दिल में भी एक अलग ही उत्साहित है, वो भी खुश हैं, वो भी बस 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। तमाम जानकारियां आपको दी हैं, अब हम आमिर साहब से पूछेंगे कि किन लोगों को वो आमंत्रित कर रहे हैं, किन लोगों को बुला रहे हैं, कौन कौन यहाँ पर आएंगे? बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया है, अच्छा अब देखना है कि कौन लोग आते हैं, मगर ये है कि ये कल तक डिसाइड होगा। अच्छा, कि कौन आ रहा है, तो कौन कौन लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर हमें तो बता ही दीजिएगा, आपको बताएंगे हमें तो बता ही दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, मगर आप लोग भी इनवाइट हैं, आप लोग बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साहब आमिर जैदी साहब, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी है, एक उत्साहिता इनके दिल के अंदर है, 5 तारीख का अभी तक ये अवेटेड है, वेट कर रहे हैं किसी तरीके से 5 तारीख आएगी, इस पूरे टावर को पूरे तरीके से तैयार किया जाएगा और एक संदेश एक पूरे विश्व को दिया जाएगा, एक पूरी दुनिया को दिया जाएगा कि हम अपने मुख्यमंत्री से कितनी मोहब्बत करते हैं और उनकी जो योजनाएं हैं उनसे खुश होकर, पशु प्रेम है उनका, उनको खुश होकर इन्होंने ये निर्णय लिया है और पूरे तरीके से इस टावर को इन्होंने खड़ा किया है। बहुत से लोग भी आएंगे यहाँ पर देखने के लिए, और हालांकि अभी भी फिलहाल तैयारियाँ चल रही हैं, तो हुजूम यहाँ पर अभी भी लगा हुआ है, लेकिन 5 तारीख दूर नहीं है, तब तक पूरे तरीके से इसे तैयार किया जाएगा, 5 तारीख के रात के 9 बजे इसको काटा जाएगा और यहाँ पर एक इवेंट किया जाएगा, तमाम उसके शॉर्ट जो हैं और तमाम जो उस वक्त की जो वीडियोज़ हैं हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आमिर जैदी साहब, जिन्होंने अपनी मोहब्बत को इजहार, जो अपने निराले अंदाज से जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक केक बनाया है। कैमरा पर्सन सुबान और अपने सहयोगी राकेश सिसोदिया के साथ में यहाया खान सोज, नापतोल न्यूज़, बरेली।